Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, hope you all are fine. In today's lecture, we are going to learn and know about articles. What are articles? This is from your grammar portion English. All the work which I mentioned, you have to do in your grammar portion. So for today, the topic I have chosen to share with you the knowledge is of articles. So what are articles? In English, there are three articles: a, an, and the. Articles are used before nouns or nouns equivalents and are a type of adjectives. The definite article is the is used before a noun to indicate that the identity of a noun is known to the रीडर. यहाँ इस पैरा में ये बताया गया है आपको कि इंग्लिश में आपके पास तीन आर्टिकल्स होते हैं. वो कौन से होते हैं? एक होता है अ, सेकेंड इज एन, एंड थर्ड इज द. आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं? नाउन से पहले, कोई भी नाम हो किसी चीज़ का उससे पहले, या फिर नाउन के इक्विवेलेंट जो होते हैं उनसे पहले, जो कि एक एडजेक्टिव की टाइप होती है उसमें हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं. हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल है वो होता है द, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एन और अ. द डेफिनेट आर्टिकल्स द इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ अ नाउन इज़ नोन टू द रीडर्स. जो द है, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, वो किसी भी नाउन से पहले लगाया जाता है इसकी निशानदेही करते हुए कि इसकी आइडेंटिटी रीडर को पता चले कि क्या है, यानी कि कितना ख़ास है. इसलिए हम उसमें डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं. इफ़ द नाउन स्टार्ट्स विद अ वोवल, द लेटर्स ए, ई, आई, ओ और यू, इट विल यूज़ एन. अगर कोई नाउन या फिर इक्विवेलेंट नाउन एडजेक्टिव टाइप कोई भी, अगर उसका फर्स्ट अल्फाबेट लेटर ए, ई, आई, ओ या फिर यू हो, तो उसके साथ हम जो आर्टिकल यूज़ करते हैं वो होता है एन. कोई भी ऐसे वर्ड जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा हो फर्स्ट में, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे?